हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ गुजरात इंडिया से फ्रॉम द चैनल माइंड हिप्नोटिज्म। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सेल्फ लव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो हम सब लोगों को पता है सेल्फ़ लव क्या है, लेकिन वो सिर्फ हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अपनी एक्चुअल लाइफ में उसको कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके रिलेटेड भी हमें काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस रहते हैं। और सबसे पहली तो ये चीज़ है कि सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ़ लव करना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, वो एक रिक्वायरमेंट है हमारी। जैसे हम कहते हैं कि लव में बहुत ताकत होती है, तो वो सही है, ताकत होती है, लेकिन उस ताकत को अगर हम किसी और को दे देते हैं तो हम वीक हो जाते हैं। तो सेम वे सेल्फ़ लव का यही एक मेन एसेंस है कि अगर आप खुद को लव नहीं कर पाते हो तो आप दूसरों को भी ट्रूली लव नहीं कर पाते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीज़ है कि हम नॉर्मली दुखी क्यों हैं। दुखी हम इसलिए होते हैं कि हम लोगों को, या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, लाइफ पार्टनर या चिल्ड्रन हैं, हम उनको होल हार्टेडली लव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी रिटर्न में हमें लव एंड अफेक्शन दे। बट ऐसा होता नहीं है ज़्यादा बार, और हमें उनसे वो सब कुछ नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों के सामने कि हम उनको लव दे रहे हैं तो वो भी हमें रिटर्न में दें। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन हमें दूसरों से नहीं, अपने आप से ही करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को लव करेंगे तो ही हमें सामने वाला लव करेगा। अगर हम खुद को ही डीमोटिवेट करेंगे, अपने आप को हर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली सामने वाला हमें हर्ट करेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं वो हमारी आँखों के थ्रू हमारे सामने दिखती हैं। वो मिरर होता है हमारी थिंकिंग का, हमारे अंदर क्या चल रहा है वैसी ही दुनिया हमें दिखती है। और फ्रेंड्स, सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी डाउन नहीं होने देती, आपको टफ़ टाइम में से भी बहुत इजीली निकाल सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सी, सेल्फ लव क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हम दूसरों को लव करते हैं, यानी वो हमारा पावर है। लव जब हम दूसरों को देते हैं, हम अपने पावर दूसरों को सौंप देते हैं, तो हमारे पास क्या रहा? कुछ नहीं। उसको कल्टिवेट करना पड़ता है, हमेशा उसको ऑन गोइंग प्रोसेस में रखना पड़ता है। क्योंकि अब आप देखते हैं कि अगर हम खाना खाते हैं, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं या अपने रूटीन के काम के लिए चले जाते हैं, तो वो जो खाना है वो एनर्जी के थ्रू हमारे अंदर कंज्यूम हो जाता है और फिर से हमें भूख लगती है और हम फिर से खाना खाते हैं। सेम उसी तरह से जो लव है जो हम दूसरों को देते हैं, वो हमें अपने लिए भी कल्टिवेट करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को रियल सेंस में लव करने लग जाओगे, तो आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, आप कभी हर्ट नहीं होगे इतना। नॉर्मली अगर आप अभी हर्ट हो रहे हो, तो जब आप एक्चुअल में अपने आप को लव करने लग जाओगे तो आप दूसरों से हर्ट बहुत कम होगे। और दूसरी चीज़, जिस दिन आप ट्रूली अपने लव आपको लव करोगे, तो डेफिनेटली आपको लव सामने से मिलेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ होती है वही आपको मिलती है। अगर आपके पास लव है तो आपको लव मिलेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो सेम वे, अगर आप अपने आप को प्यार करें, अपने आप को पैम्पर करें, अपना ख्याल रखें कि अपने आप को हर्ट नहीं करना है, और आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपका जो पैशन है, उसमें जिसमें आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, आप अपना टाइम उसमें स्पेयर कर सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, अपने आप को रोज़ कह सकते हैं, या आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ये सेल्फ लव है जो आप अपने आप को करिए। आप पहले करके तो देखिए, फिर इसका मिरेकल देखिए। मिरेकल होते हैं, लेकिन वो मिरेकल्स कौन क्रिएट करता है? हम खुद। सो फ्रेंड्स, अपने आप को प्यार करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
जो लव एंड अफेक्शन हम दूसरों को करें वो अपने आप को भी करें, क्योंकि हमारी लाइफ हम जी रहे हैं, कोई और नहीं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमें खुश रहना है। और हैप्पीनेस का बात ये है व्हेन वी आर फिल्ड विथ लव। और जिस दिन आप ट्रू लव करोगे तो आपको सभी जगह लव मिलेगा, हर चीज़ में आपको लव दिखेगा, आपकी जो लाइफ है वो एनर्जेटिक और पैशनेट हो जाएगी, आपको लाइफ जीने में इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज उस दिन आप अपने आप से मिल पाओ, आप अपने आप से मिल रहे हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कब होता है, जब हम खुद से मिलते हैं, और खुद से कब मिलते हैं, जब हम खुद को प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को हर्ट मत कीजिए। और मेरा जो दूसरा ऑडियो होगा वो सेल्फ केयर के ऊपर होगा, जो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ऑडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो ऑडियो हो वो मैं स्पेशली एक पर्सन को डेडिकेट करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मुझे लाइफ में फिर से मैं पैशनेट हुई हूँ। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल माइंड हिप्नोटिज्म को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू।